दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल वोडाफोन आइडिया के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट के पहले क्या रणनीति होनी चाहिए। और दोस्तों, आज जो दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, और क्या कल लेवल और टारगेट इंट्राडे के लिए आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम फटाफट दोनों न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे, और कल रिजल्ट कैसा रहने वाला है वो भी एक बार एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो हम फटाफट चलते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ निकल करके आ रही है वोडाफोन आइडिया में, उसने जो 1200 करोड़ आज पे किए हैं, जो कि लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम के ऊपर जो उसको देना था वो आज उसने पे किया हुआ है। तो पूरी न्यूज़ पढ़े तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया हैड अर्लियर इन्फॉर्म द DOT ऑफ inability to pay in April-June quarter due to had sought more time. तो ज़्यादा टाइम मांगा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, ऐसा उसने पहले इन्फॉर्म किया था DOT को। तो यहाँ पे देखे तो 1200 करोड़ रुपये उसने आज पे किए हैं लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूज के चार्जेस के ऊपर, जो कि उसको हालांकि पे करने थे 15 जुलाई को, परंतु वो डेडलाइन थी, उसने वो मिस कर दी थी। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे अगर वो आज की तारीख भी मिस करते तो जो DOT है उसकी जो बैंक गारंटी है उसको वो इवॉक कर लेती। तो आज ये करने वाली थी DOT, तो इससे पहले ही उसने पे कर दिया क्योंकि उसके पास कोई अलग चॉइस नहीं थी। तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। हालांकि इस न्यूज़ का वोडाफोन आइडिया में इतना अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर न्यूज़ अच्छी है कि उसने ये जो था 1200 करोड़ वो पे कर दिया है। दूसरी न्यूज़ के बारे में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों, दूसरी न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि कल वोडाफोन आइडिया के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। तो रिजल्ट कैसे रहने वाला है वो यहाँ पे बहुत ही मायने रखने वाले हैं, क्योंकि जो ERPU ग्रो एंड AGRDU है वो एक दोनों टॉप कंसर्न रहने वाले हैं कल के रिजल्ट में। ERPU का मतलब ना समझ में आता हो तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, वो अपने आप में कल कैसा आता है वो ही एक बहुत बड़ी बात देखने वाली है कल क्वार्टरली रिजल्ट में। आगे पढ़े तो दोस्तों, आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया ने जो ये लॉकडाउन का पीरियड था उसमें 4.5 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए थे। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है बाजार की तरफ से, उसमें जो रेवेन्यू आ सकता है वो 11,006 करोड़ आ सकता है, और जो लॉस आप बता सकते हैं उस क्वार्टर में वो 5,545 करोड़ का लॉस हो सकता है वो बताए, ऐसा अनुमान निकल करके आ रहा है दोस्तों। तो आगे दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू निकल करके आ रहा है उसमें कितना इम्पेक्ट होता है लॉकडाउन की वजह से, और जो डाटा यूजेज है उसमें भी कितना इम्पेक्ट होता है अपने राइवल के मुकाबले, वो यहाँ पे उसने देखने वाली बात होगी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, उसके राइवल की बात करें तो जो उसने Q3 में जो भारतीय एयरटेल ने ERPU जाहिर किया था, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जाहिर किया था, उसमें 22.7% की जंप थी, और जियो के ERPU की बात करें तो उसमें 17% के आसपास जंप थी। और हालांकि जो Q4 में जो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ बताई थी, वो भी अपने आप में सस्टेन हो पाते हैं कि नहीं वो भी कल के लिए देखना जरूरी होगा दोस्तों। तो रेवेन्यू में Q2 3.7 का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है मार्केट को। आगे देखें तो सब्सक्राइबर लॉस 15 मिलियन होने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12.9 मिलियन थे, वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। ERPU की बात करें तो उसमें भी 1.9% की गिरावट आने वाली है ऐसा एक्सपेक्टेड, जो कि 119 होने वाला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 121 था। तो दोस्तों, ये सब यहाँ पे देखने वाली बातें हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि AGR अभी भी उसको 50,400 करोड़ पे करने हैं। तो दोस्तों, अगर ये 50,400 करोड़ जो वोडाफोन आइडिया को पे करने हैं, और उसने जो कोर्ट में हालांकि 15 साल का जो प्राइम मांगा है वो टाइम भी अगर उसको मिल जाता है, तो भी इसके जो ERPU है उसको डबल ग्रोथ होना चाहिए। जो अभी ग्रोथ चल रहा है ERPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर चल रहा है, उसके डबल होना चाहिए, तभी जाके वो 15 साल में भी इतना रकम यहाँ पे दे पाएगी। तो दोस्तों, ये अपने अपने बहुत बढ़िया बातें हैं जो कि कल बाजार पूरी तरह से नज़र रखने वाला है। तो दोस्तों, आपको भी अपनी नज़र इसके ऊपर बना के रखनी होगी, इसके ऊपर ही वोडाफोन आइडिया की चाल ऊपर या नीचे की तय होगी। तो दोस्तों, हम फटाफट आज कारोबार की डिटेल जानेंगे, और कारोबार कैसा रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो वोडाफोन आइडिया के आज 35 पैसे डाउन था, लगभग 4% की गिरावट थी, 8.30 रुपये के ऊपर बंद हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 8.25 रुपये थी,
ओपन होता है 8 रुपये 60 पैसे का, हाई बनाता है 8 रुपये 75 पैसे का, और लो बनाता है 8 रुपये 15 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 8 रुपये 30 पैसे थी। क्वांटिटी की बात करें तो दोस्तों 28 करोड़ 94 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 9 करोड़ 76 लाख शेयर की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी परसेंटेज आज भी बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से 34% के आसपास है। तो डिलीवरी तो दोस्तों दबा करके हुई है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है कल के लिए, पर कल ये रिजल्ट कैसा घोषित करते हैं उसके ऊपर ही पूरा दारोमदार रहेगा। तो दोस्तों हम अभी सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लेवल आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ पे एक बड़ी रेंज मैंने आपको लिए ड्रॉ करी है 8 रुपये 15 पैसे से लेकर 8 रुपये 40 पैसे के बीच, जहाँ पे आपको कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करना है वो ही मैं आपको सजेशन करूँगा। अगर ये 8 रुपये 40 पैसे के ऊपर निकलता है तो दोस्तों आपके लिए पहला लेवल आ सकता है 8 रुपये 65 पैसे, और उसके ऊपर जाता है तो 8 रुपये 90 पैसे। अगर मैं आपको यहाँ पे दो लेवल दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपने 8 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होती है उस और आपने पोजीशन बनाई है, तो अगर ये 8 रुपये 65 पैसे को क्रॉस करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस 8 रुपये 65 पैसे के ऊपर लेके आना है, उसके बाद ही 8 रुपये 90 पैसे की राह देखना है, वरना दोस्तों आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको यही स्ट्रेटेजी लगानी है, जैसे मैंने ऊपर की तरफ बोला है वैसे ही आपको नीचे की तरफ भी स्ट्रेटेजी अपनानी है। वो अगर ये 8 रुपये 15 पैसे के नीचे जाता है और सस्टेन होता है तो पहला टारगेट आपके लिए 8 रुपये हो सकता है, उसके बाद 7 रुपये 80 तक के नीचे के लेवल हो सकते हैं। हो सकता है कल वो रिजल्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशन के ऊपर या नीचे जाए तो इससे भी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, पर प्राइमरी ये टारगेट दोस्तों आपके लिए आ सकता है। तो दोस्तों कल मार्केट का वॉच भी करिए, निफ्टी भी कैसे चल रही है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत दारोमदार रहेगा, पर ज़्यादातर कल मूवमेंट क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर रहेगी। तो दोस्तों इस मैंने जो लेवल बताया उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और आगे अपनी भी कुछ एनालिसिस करके फिर ही इसमें कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ हर बार कि मैं जो चार्ट है वो जीरोधा में आपको करके दिखाता हूँ एनालिसिस, तो अगर ये कोई बंदा जीरोधा में अकाउंट खोलना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।